माननीय सभापति महोदय, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि वो राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान विधेयक 2023 को लाए। मृत शरीर का भी कितना बड़ा सम्मान है, ये हमारी संस्कृति कहती है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश एम्पायर ने जनता के भय से एक दिन पहले फांसी दे दी और आनन फानन में सतलुज के किनारे ले जाके उन तीनों के शवों का आधा अधूरा क्रियाकर्म कर दिया। दूसरे दिन हजारों की भीड़ को पता लगा, भीड़ उमड़ के पड़ी, सतलुज के किनारे पहुंची, मान सम्मान के साथ जो उनके अवशेष थे उनका हुसैनीवाला में उन्हें दाह संस्कार किया और आज वहाँ उनकी याद में स्मारक बना है। वो एरिया पाकिस्तान में है लेकिन दो बार हिंदुस्तान के हमारे सैनिक जाते हैं और वहाँ तिरंगा फहराते हैं। माननीय सभापति महोदय, डेड बॉडीज का कितना बड़ा महत्व है। एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को परीक्षण के लिए रखा गया कि उसमें क्या विशेषता थी। नेपोलियन के शरीर का परीक्षण बरसों बाद, सैकड़ों साल बाद पता लगा कि नेपोलियन को सेंट हेलेना में अंग्रेजों ने स्लो आर्सेनिक पॉइजन दिया था, क्योंकि उसके बाल पोनीटेल रखता था नेपोलियन और उसका स्कल रखा हुआ था और बालों में 50 साल बाद भी आर्सेनिक पाया गया। तो आज इसकी बहुत महत्वता है शरीर की। शरीर दान बहुत बड़ा आज मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। मेडिकल ग्रेजुएट्स को एनेटमी डिपार्टमेंट में बॉडीज नहीं मिलती है, कैडेवर्स नहीं मिलता। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, मेरे टीचर थे डॉक्टर रामेश्वर शर्मा, वो प्रिंसिपल रहे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट PSM रहे और अपनी मृत्यु के बाद अपना शरीर SMS मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया, बच्चों को अपना एनेटमी का परीक्षण करने के लिए। मैं सलाम करता हूँ, आज वो नहीं है लेकिन इतना सोच हर एक व्यक्ति का नहीं। माननीय सभापति महोदय, ऑर्गन डोनेशन इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी इट्स ए पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मृत्यु के बाद 1% डोनेशन होता है हिंदुस्तान में, अमेरिका में 23% होता है। हमारे हार्ट, लीवर, किडनी सारे के सारे हमें जागरूक करना पड़ेगा कि मृत्यु के बाद, मैंने स्वयं अपने शरीर को मृत्यु के बाद डोनेट कर रखा है मेडिकल कॉलेज को कि मेरे लीवर, किडनी और हार्ट को इस्तेमाल कर लिया जाए किसी के लिए भी अगर उनको ज़रूरत हो तो। ये जागरूक करना पड़ेगा सभापति महोदय, हमारी आम जनता को जागरूक करना पड़ेगा। हजारों लाखों लोग क्यू में लगे हुए हैं, हालांकि इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस हमारे इस प्रोग्राम का, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ क्योंकि ये हमारे जो लीवर और किडनी और हार्ट तो आफ्टर डेथ ही लिए जाएंगे, इमीडिएट इन्फॉर्म करके डॉक्टर्स की टीम को लें। प्राचीन काल में रोमन शासक अपनी बॉडीज को मम्मी के रूप में प्रिजर्व करते थे और रखते थे उसको अपने स्थान पर, उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। जीसस क्राइस्ट को सलीब पे चढ़ा दिया गया, स्पार्टकस तो मान योद्धा थे, सलीब पे चढ़ा दिया गया और जिंदा उनको मरने के लिए मजबूर किया गया। सबसे दुर्भाग्य की बात है सभापति महोदय, आज मृत शरीर एक राजनीति का कारण बन गया। आप रोज पढ़ते हैं अखबारों में कोई डेथ नेचुरल डेथ हो गई, उनके परिवारजन जो कि उकसाए हुए होते हैं डेड बॉडी को लेके बैठ जाते हैं सड़क के ऊपर, सरकार पे दबाव बनाते हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या है, मैं तो ऊर्जा मंत्री रहा, वो सही फरमा रहे थे हमारे बैठे हुए कि तार के ऊपर बॉडी लटक रही है दिन भर और निगोशिएट करो साहब कितना पैसा दोगे, कितना
हृदय विराग मंजर है। मैंने स्वयं देखा कि तार पे बॉडी लटक रही थी। मैंने कहा भैया इसको उतारो, तुम्हें जो लेना हो सो ले लेना, ये भगवान के लिए अन्याय मत करो इस शरीर के साथ। मुख्यमंत्री जी ने ये बिल्कुल सही किया सभापति महोदय, एक साल की सजा अगर कोई क्लेम नहीं करता है अपने रिश्तेदार की बॉडी को, 2 साल की सजा अगर कोई रिश्तेदार दुर्भावना से बॉडी को लेके बैठ जाता है, और 5 साल की सजा अगर कोई दुरुपयोग करके नेता और उस बॉडी को और उनके रिश्तेदारों को वोट पावर करके बैठ जाता है। डीएनए टेस्ट के लिए इट इज ए कॉन्फिडेंशियल डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट के लिए अगर कोई आउट करता है डीएनए टेस्ट से रिलेटेड मैटर्स को, उसको 10 साल की सजा है। मुख्यमंत्री जी को इस वजह से मजबूरन करना पड़ा क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा कारण आज ये हो गया। आपने देखा है कितना सम्मान होता है शेखावाटी में शहीदों का, हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। खुद मेरे विधानसभा क्षेत्र में 70 शहीद हैं, आपके पिलानी में भी बहुत सारे, और लोग जानते हैं सम्मान किस तरह से होता है मृत व्यक्ति का, हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है वहां। ये निश्चित रूप से जगह जगह बुत लग रहे हैं उनके शहीदों के, ये सम्मान है हमारे मृत व्यक्ति का शेखावाटी में, ये बहुत बड़ी बात। सभापति महोदय, मैं डॉक्टर होने के नाते कहूंगा डेड बॉडी कोरोना में फैला, कई बीमारियां ऐसी हैं घर वाले जानते नहीं, हेपेटाइटिस बी, टीबी, कोरोना, अगर उसकी डेड बॉडी है और वो प्रिजर्व नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने रोका था कि 5 से ज्यादा जाएंगे नहीं दाह संस्कार के लिए, और अगर उनके कांटेक्ट में हाइड्रोफोबिया जिसका इलाज नहीं है दुनिया में, HIV जिसका इलाज बड़ा मुश्किल है, कोई इलाज नहीं है, ये कांटेक्ट में आने से होते हैं डेड बॉडी के, इसलिए उसको प्रिजर्व करके डेड बॉडी को उसका दाह संस्कार बड़े तरीके से करना चाहिए। ये इसमें नहीं है, मैं मेरी तरफ से डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास डीप फ्रीजर्स नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में डीप फ्रीजर होने चाहिए। इसका रिश्तेदार बाहर है, आपको पता है विदेशों में बहुत सारे शेखावाटी के लोग मिडिल ईस्ट में, उनके फादर की मृत्यु हो गई, कहाँ रखेंगे 3 दिन तक बॉडी। डीप फ्रीजर होना चाहिए हमारे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के अंदर, और MLA सरकार अगर नहीं अरेंज कर सकती, 5-6 लाख रुपए का आता है, तो MLA को उसको अंदर अपने डोनेट करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मृत शरीर अपने आप में उसके अपने कानून है, मृत शरीर का अधिकार है सभापति महोदय कि उसका सम्मान किया जाए, मृत शरीर का दुरुपयोग न करें। मैं अंत में कहना चाहूँगा सभापति महोदय, बहादुर शाह जफर अंतिम सम्राट थे, उनकी इच्छा थी, रंगून में अंग्रेजों ने कैद कर दिया, उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनको दफन हिंदुस्तान में किया जाए, अंग्रेजों ने बात नहीं मानी, मौत के बाद रंगून में उनको दफना दिया। बहादुर शाह जफर ने कहा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन मिली कुए यार में। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू उनके अवशेषों को लाए रंगून से और लाल किले में दफनाया। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ इस बिल को लाने में, और मैं पुरजोर शब्दों में इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। श्री धर्मनारायण जोशी।